नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल ऑडियो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। 45,000 के इनामिया से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ 45,000 का इनामी बदमाश भिन्ना। बता दें, हिस्ट्री शीटर अपराधी भिन्ना के अलावा साथी अपराधी जमील को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश ने भागते हुए पुलिस इंस्पेक्टर पर दागी गोलियां, वहीं इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी दो गोलियां। बार बार बचे इंस्पेक्टर, इनामी बदमाश भिन्ना के पैर में लगी गोली। इनामी बदमाश के खिलाफ दर्ज हैं 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे। जनपद मैनपुरी से 20,000 तो वहीं फिरोजाबाद से 25,000 का इनामी अपराधी है भिन्ना। पुलिस की एसओजी टीम और दनाहार पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की। फिर देखिए रिपोर्ट आमिर अली के साथ। साला कह रहा है कि ये दोनों आए सर वहाँ से, फिरोजाबाद से सर ये 2 साल से वांटेड है सर, इनाम है इसके ऊपर वहाँ। सर ये 2020 से है सर वहाँ से, हमारे 2021 से। ये सर 20 में सर मकरूरी में, फिरोजाबाद सर। बहुत अच्छा, बढ़िया। और सबसे बड़ा और कहाँ एडिशन साहब, बहुत बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। कोतवाली थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया था। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से 2 बदमाश जा रहे थे, इनको जब रोकने की कोशिश किया गया तो ये भागे। पुलिस ने इनको पीछा किया, पीछा करने के दौरान इनके द्वारा पुलिस पे अटैक किया गया। अटैक में एसओ दन्नाहार के ऊपर अटैक किया गया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट से बचत हुई। पुलिस ने फिर उसके बाद से आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, जिसमें एक भिन्ना उर्फ ईश्वर नाम का अपराधी घायल हुआ, जिसको चिकित्सकीय उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। इसका एक साथी जो फरार हो गया था जमील, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि इस भिन्ना के ऊपर फिरोजाबाद से 20,000 का इनाम घोषित है और साथ ही यहां मैनपुरी से भी 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। बरसों से ये अपराधी फरार चल रहे थे, शातिर अपराधी हैं, बहुत सारे अपराध इनके द्वारा कारित किए गए हैं। अभी विवेचना के दौरान संपूर्ण तथ्यों पे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी तथ्य आएंगे। कितने बदमाश थे और किस गाड़ी से बदमाश थे? एक बाइक से ये जा रहे थे, इनके पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं और एक घायल हुआ है, दूसरे को गिरफ्तार किया। कोई पुलिसकर्मी घायल? इसमें हमारे एसओ दन्नाहार बाल बाल बचे हैं, इनके ऊपर अटैक किया गया था, बाल बाल बचे हैं और अपने को सुरक्षित रखते हुए जब अटैक किया गया तो उसमें ये घायल हुआ। पुलिस टीम को इनाम कुछ? इसमें 2 जनपदों से ऑलरेडी इसमें इनाम घोषित है। 20,000 रुपए का इनाम फिरोजाबाद से घोषित है और 25,000 रुपए का इनाम मैनपुरी से घोषित है।